एलोन मस्क ट्वीट कर कही ये बात। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक मजाकिया बयान में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि वो अब कोका कोला को खरीदेंगे। वह हमेशा से ही ऐसे कुछ विवादास्पद और मजेदार ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं। मंगलवार को टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने लगभग 44 अरब में ट्विटर को खरीद लिया था। इसके बाद से ही उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच के बयान से लेकर ट्विटर में होने वाले अहम बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है। यहां तक कि बाइडेन प्रशासन को भी कई सारी शंकाएं दिखने लगी हैं। और अब बाइडेन प्रशासन के सूत्रों के अनुसार इस डील के बाद सबसे बड़ी चिंता यही है कि ट्विटर पर गलत सूचनाओं की बाढ़ आ सकती है और लोगों के बीच में भी आम धारणा बनने लगी है कि कहीं ना कहीं अब ट्विटर पर फेक न्यूज का चलन बढ़ने ना लग जाए। अगर ऐसा होता है तो 2024 के अमेरिकी चुनाव पर सीधा असर होगा, क्योंकि दुनिया भर में सोशल मीडिया मतदाताओं को प्रभावित करने का सबसे बड़ा जरिया ट्विटर बन गया है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक मजाकिया बयान में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि अब वो कोका कोला खरीदेंगे। वह हमेशा से ही ऐसे कुछ विवादास्पद और मजेदार ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं। एक ट्वीट में टेस्ला के CEO ने कहा, अगला मैं कोका कोला खरीद रहा हूँ ताकि कोकीन वापस लाया जा सके। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में एलोन मस्क ने ट्विटर को एक प्रस्ताव दिया था कि वे मना नहीं कर सके। उन्होंने कंपनी के स्वामित्व के लिए 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बोली लगाई थी। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अब वेबसाइट पर कई बदलाव की अटकलें हैं। आपको बता दें कि एलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के अलावा भी कई कंपनियों के मालिक हैं। न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक में भी मस्क की हिस्सेदारी है। एलोन मस्क की ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी न्यूरालिंक ऐसे प्लान पर लंबे समय से काम कर रही है जिसके सहारे लोगों के दिमाग में भी एक न्यूरल चिप इम्प्लांट की जाए। इस चिप से इंसान किसी भी मशीन को बिना हिले डुले सिर्फ सोचने भर से ही कंट्रोल कर सकेगा। बता दें कि इसके जरिए मस्क पैरालिसिस, हियरिंग, ब्लाइंडनेस जैसी समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और